तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, मेरे को इससे संबंधित बहुत से पर्सन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना सहकारी जो योजना चली है उसमें शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट कौन सा लगाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन करता हूं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ मैं आप सबके लिए यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, दस्तावेज इसके अंदर क्या लगने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अनिवार्य दस्तावेज है उनकी लिस्ट आपके सामने, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और शपथ पत्र, और इसके साथ साथ में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ होना जरूरी है। मोबाइल पर OTP आएगी, अन्यथा कस्टमर को बायोमेट्रिक लगानी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर कस्टमर के पास में अवेलेबल हो तो ये दस्तावेज लगाने होंगे, अगर नहीं हो तो ये दस्तावेज लगाना कोई ज़रूरी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ई श्रम कार्ड कस्टमर के पास में है तो लगा दीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट या फिर आयुष का ID कार्ड जो कि नगर पालिका से बनता है या पिछले लॉकडाउन में बना था NDLM योजना के तहत, तो अगर किसी का बना हुआ है तो लगा दीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। रोजगार पंजीकरण संख्या यानी कि जो बेरोजगार है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, BA कर रखी है और उन्होंने बेरोजगार भत्ते के लिए आवेदन कर दिया लेकिन उनको बेरोजगार भत्ता स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो भी अपना बेरोजगार भत्ते का प्रमाण सर्टिफिकेट पंजीकरण संख्या यानी कि उनका जो पंजीकरण संख्या उनको मिली हुई है वो पंजीकरण संख्या साथ में लगाना जरूरी है। जन सूचना पोर्टल पर जाकर के या फिर अपनी खुद की SSID से पंजीकरण संख्या निकाल सकते हैं, उसका प्रिंटआउट भी है जो निकाल सकते हैं। और 8 नंबर पर आता है दो व्यक्तियों के नाम जिनके पास में अपने काम किया हो, यानी कि अगर आप असंगठित मजदूर में भरते हो तो इसमें दो व्यक्तियों को आपको गारंटर देना पड़ेगा। जिनके पास में आपने काम किया हो तो उनका नाम, एड्रेस और किसने कौन से वार्ड में किया था, कौन से एड्रेस पे किया था और उनका मोबाइल नंबर, ये डिटेल है जो आपको नॉर्मली डिटेल देनी पड़ेगी, तभी आपको है जो आपका इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के अंदर इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा, जो शपथ पत्र में आपको बताने वाला हूँ। शपथ पत्र की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले आप तीनों शपथ पत्र देख लेना किस प्रकार से भरना है, यानी कि स्ट्रीट वेंडर वाला संगठित यानी कि जो रोजगार पंजीकृत रोजगार बेरोजगार है उनके लिए, और जो असंगठित बेरोजगार है उनको किस प्रकार से भरना होगा। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो सभी से निवेदन है पूरी देख लीजिए। आप उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें पूछ सकते हो। ऑनलाइन करने की भी अलग से वीडियो बनी हुई है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, अगर वो वीडियो जोड़ूंगा साथ में तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैंने 2 पार्टों में ये वीडियो बनाया है। तो अभी हम चलिए देख लेते हैं आपको स्ट्रीट वेंडर का फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो रेडी लगाते हैं, जिनका लाइसेंस बना हुआ है, उनका आप शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट का फॉर्म है जो किस प्रकार से भर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले नगर पालिका, नगर परिषद या फिर नगर निगम का नाम लिखना है। जैसे हमारे यहाँ पे हनुमानगढ़ रावसन जो भी लगता है वो यहाँ पे नाम लिखते हैं। उसके बाद आता है कि स्ट्रीट वेंडर के लिए शपथ पत्र यानी कि जो रेडी लगाता है जिनका कार्ड बना हुआ उनके लिए है ये शपथ पत्र। तो यहाँ पर देखिए शपथ पत्र आ चुका है। उसके बाद आवेदनकर्ता का नाम, आवेदनकर्ता के पुत्र, पुत्री, पिता, पत्नी क्या नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद उनका पूरा एड्रेस लिखना है और यहाँ पे उनका मूल एड्रेस लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्तमान में चल रहे मेरे बकाया ऋण संबंधी सूचना यानी कि अगर कोई वर्तमान में ऋण चल रहा है तो उसके यहाँ पर आपको सूचना देनी होगी, जैसे बैंक का नाम, ऋण का प्रकार, कुल राशि, बकाया राशि कितनी रही है, वो जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। अगर नहीं चल रहा तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मेरी वार्षिक, यहाँ पे देखिए मासिक आय 15,000 रुपये से कम है तथा पारिवारिक वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, यानी कि मासिक परिवार यानी कि जो महीने में परिवार की इनकम हो रही है वो 50,000 से कम है और आपकी जो आय है वो 15,000 रुपये से कम है, तो यहाँ पर ये 2 नंबर से अलग डिक्लेरेशन आ गया। उसके लिए बोलता है कि मैं विगत कितने वर्षों से माह से आप ये काम कर रहे हैं, जैसे 5 साल से, 10 साल से, वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद व्यवसाय यानी कि क्या काम कर रहे हैं, जैसे आप रेहड़ी लगा रहे हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं, जो भी XYZ काम करते हैं वो यहाँ पे लिखना होगा। व्यवसाय व्यापार कर रहा हूँ तथा मेरी व्यवसाय व्यापार का पता यानी कि आप जिस एरिया में काम करते हो वो एरिया यहाँ पर आपको डालना है, जैसे रावसर में करते हो, हनुमानगढ़, जो भी आपका एरिया होता है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है मेरा नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद द्वारा यानी आपकी जो भी नगर पालिका उसका नाम द्वारा जारी वेंडर लाइसेंस, पहचान पत्र, क्रमांक, तो जो भी आपको मिला हुआ वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक जो फिल्म मिलेगी वो यहाँ पे आपको डालना है।
उसके लिए बोलता है नगर पालिका नगर परिषद द्वारा जारी अभिशंसा पत्र, यानी कि वो अगर आपको अभिशंसा पत्र देते हैं जिस पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लगा हुआ तो वो यहाँ पर डालना होता है, उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी होती है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए, मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा उक्त दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान के एवं सत्यता के आधार पर पूर्णतः सही है, यानी कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो मेरे ज्ञान और निजी ज्ञान के आधार पर एकदम सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है, यहाँ पर आपको स्थान लिखना है और यहाँ पर आवेदनकर्ता का नाम और यहाँ पर आवेदनकर्ता के साइनर आ देने हैं। चलिए अभी ये तो काम कंप्लीट हो गया कि जो स्ट्रीट वेंडर रेडी लगाते हैं फुटवीर काम करते हैं उनके लिए, अभी हम बात कर लेते हैं जो संगठित मजदूर हैं उनके बारे में। देखिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके लिए आगे देखिए आपको बोला कि पंजीकृत बेरोजगार आवेदकों के लिए शपथ पत्र, यानी कि जो पंजीकृत है जो रजिस्टर्ड बेरोजगार है उनके लिए शपथ पत्र आपको तो लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आवेदन का नाम, आवेदनकर्ता का नाम आ जाएगा, आवेदनकर्ता से संबंध पुत्र पुत्री पत्नी जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके लिए उनका पूरा मूल एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। उसके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे देखिए अगर पहले से लोन चल रहा है तो वो यहाँ पे डालना होगा, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। ये बोला है कि आपकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम और आपकी पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है तो आपको जो भी आय है वो यहाँ पे लिखनी होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें कोई लिखना ज़रूरी नहीं है। तो अभी देखिए मैं विगत कितने माह वर्षों से आप काम कर, जैसे 2 माह से, 6 माह से, या फिर 10 साल से, या फिर 15 साल से, जितने से काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है। माह से बेरोजगार हूँ, यहाँ पे देखिए बेरोजगार हूँ तो यहाँ पे देखिए कितने वर्षों से, यानी कि आपने अगर सपोज दैट मैंने बीए कर लिया 2017 के अंदर, अभी 2021 तो 4 साल हो गए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाता है 4 वर्षों से बेरोजगार हूँ, तो मुझे रोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है। तो जिनको बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण संख्या, यानी कि आपके जो भी रोजगार कार्यालय के अंदर पंजीकृत संख्या है वो यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी उक्त जानकारी सही है तथा मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य है, तो जानकारी मैंने दी है वो मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है। इस प्रकार से आपको इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल और करना है और यहाँ पर आपको दिनांक और स्थान लिख देना है और यहाँ पर आवेदनकर्ता का नाम और यहाँ पर आवेदनकर्ता का साइन करना है। तो इसके अंदर आपको जो मैंने दस्तावेज लगाए थे कि मार्कशीट और बताया था मैंने, आपने सोचा बोला था कि मार्कशीट कहाँ पे काम आएगी, तो मार्कशीट इसमें काम आएगी क्योंकि ये हम बेरोजगार वालों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो बीए की मार्कशीट है जो इसमें हमें काम में लेनी है। तो ये तो बात होगी अभी हमारी जो संगठित मजदूर है उनके बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं जो असंगठित मजदूर है उनके बारे में, तो उनका फॉर्म आपको किस प्रकार से कौन सा फॉर्म भरना होगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपसे एक सब्सक्राइबर की बहुत उम्मीद रहती है। तो देखिए अभी हम बात कर लेते हैं असंगठित दो मजदूर हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी क्रेडिट शहरी योजना, उसके बाद नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम डाल के जो भी आपका नगर पालिका था उसका नाम डालना होता है। उसके लिए होता है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आवेदन के लिए शपथ पत्र, यानी कि जो असंगठित है जो रजिस्टर्ड श्रमिक नहीं है उनके लिए, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं उनके लिए शपथ पत्र है। तो यहाँ पे आता है मैं आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आपके पिता या फिर पति पुत्र पत्नी का नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है, सेम टू सेम सेकंड नंबर रहेगा कि आपने पहले कोई बैंक से लोन लिया था तो यस अन्यथा नो डिटेल फिल करनी होगी अगर लिया था तो। बाकी डिक्लेरेशन आ गया मैं विगत, यानी कि आप कितने माह से वर्षों से और कि कौन सा श्रमिक का काम कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद 2 व्यक्तियों के मोबाइल नंबर आपको देने होंगे, उनका एड्रेस, वार्ड नंबर और उनके पास है आपने काम कितने टाइम तक किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक और यहाँ पे आपको स्थान और यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पे आपका साइन करवा करके हमें फॉर्म है जो देना है ई मित्र वालों को, या फिर आप आपकी SSID से भी है जो डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हो। ई मित्र से ऑनलाइन किस प्रकार से करना है इसके चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो वो वीडियो एक बार देख लेना, आपको पूरी जानकारी है जो समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई नई और ताज़ा जानकारियों के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।